साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। दोस्तों आज मैं आपको श्री गणेश भगवान जो भिन्नों के हर्ता है उनसे हर कार्य को शुभता प्रदान करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। किसी भी कार्य, कोई आपका ऐसा कोई काम है जो वर्षों से रुका हुआ है या कोई मनोकामना है, और साथ में यह प्रयोग आपके राहु को भी शांत करेगा। दोस्तों मैंने राहु को शांत करने के बहुत से ऐसे प्रयोग बताए हैं जो काफी लोग नहीं कर पा रहे थे। नारियल से, दूर्वा से, अजवाइन से, जीरा से काफी उपाय बताए हैं, लेकिन ये दोस्तों प्रयोग आप एक बार ही करेंगे तो आपको राहु तो शुभ फल देंगे, साथ में श्री गणेश भगवान आपके सभी कार्य को सिद्ध करेंगे। बहुत ही दोस्तों पावरफुल उपाय है, गणेश भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसमें चाहते हैं कि 100% उसमें सफलता मिले, 10 मिनट का प्रयोग करके जाइए, उसके बाद में गारंटी के साथ में आपका वो काम बनेगा। वैसे तो दोस्तों अगर विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो गणेश भगवान जी के दो दिन है, एक है बुधवार और दूसरा है गणेश चतुर्थी, तो आप इन दिनों भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आप चाहे तो महीने में 4 बुधवार और 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं, उसमें इस प्रयोग को करते रहें, हमेशा करते रहेंगे, राहु की भी कृपा प्राप्त होगी, राहु आपके बैलेंस रहेंगे, राहु जिसके बैलेंस है उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियों की भरमार है, अचानक से उसकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं। तो जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप समय का कोई बंधन नहीं है, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, दिन का कोई बंधन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। स्वच्छता का ध्यान देना है, प्रयोग एक बार करेंगे एक बार में ही रिजल्ट मिलेगा। कोई आपकी कोई ऐसी विशेष मनोकामना है उसके लिए कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा काम है जो वर्षों से रुका हुआ है चाहते हैं कि वो काम हो जाए उसके लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, किसी भी मनोकामना के लिए इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन में, गणेश चतुर्थी के दिन में विशेष लाभ प्राप्त होगा, अर्जेंट नीड है कभी भी कर सकते हैं। एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है, पान का पत्ता कहीं से पीला ना हो, एकदम सुंदर सा हरा भरा डंठल सहित, ठीक है। पान के साथ में आपको एक मोदक या लड्डू या मोतीचूर का लड्डू, जो भी आपकी शक्ति है, एक लड्डू ले लेना है आपको। साथ में आपको 7 दूर्वा घास, जो पूजा पाठ में जो दूर्वा घास यूज होती है, कम से कम उंगली के साइज की, ये आपकी उंगली है इतने साइज की, एक बराबर लेनी है आपको, ठीक है। 7 दूबा एक जैसी, एक बराबर। इन 7 दूबा को आपको क्या करना है, इस प्रयोग को दोस्तों जब करेंगे तो आपको स्वच्छता का ध्यान देना है। दूबा जब लेकर के आएंगे तो गंगा जल से साफ कर लें, गंगा जल नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं, गुलाब जल से साफ कर सकते हैं, गुलाब जल आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। गुलाब जल भी नहीं है तो शुद्ध जल से साफ कर लें, लेकिन स्वच्छ कर लें। दूबा जब लाएंगे तो इनको पहले स्वच्छ कर लें, उसके बाद में जो पान का पत्ता लिया हुआ आपने, पान के पत्ते के ऊपर आपको ये लड्डू रख देना है, मोदक रख देना है, बेसन का लड्डू भी चलेगा, जो भी आपकी शक्ति है, लेकिन लेना आपको मोदक है जो गणेश भगवान जी को प्रिय है, मोदक लड्डू या मोतीचूर का लड्डू जो भी है, आप उसके ऊपर पान के पत्ते के ऊपर ये लड्डू रख देंगे। 7 दूबा घास जो आपने स्वच्छ जल से या गंगा जल से या फिर गुलाब जल से साफ की है, ये 7 दूबों को एक साथ लड्डू में आपको खोंस देना है, ठीक है। मतलब कि लड्डू में आप गपा देंगे, उसमें गड़ा देंगे उसमें। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों हाथों में जो पान का पत्ता लिया है दोनों हाथों में ऐसे आप ले लेंगे, ठीक है। दोनों हाथों में लेने के बाद में 7 बार राहु का जो मंत्र है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ओम रंग राहवे नमः, ओम रंग राहवे नमः, 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। 7 बार ये मंत्र होता है, अब 7 बार आपको ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः,
या इसके अलावा गणेश गायत्री मंत्र ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोनों मैंने तीनों मंत्र दे दिए हैं, जो आपको अच्छा लगता है 7 बार इस मंत्र का जाप कर लेंगे। ठीक है, मंत्र जाप करने के बाद में आपको जो भी आपकी मनोकामना है, जो चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, या जो भी आपकी परेशानी है आप चाहते हैं कि दूर हो जाए, ठीक है, वो मन में बोल देंगे 7 बार और इसको ले जाकर के गणेश भगवान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। एक बार में ही रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी सारी परेशानियां है एक एक बार करके हर बुधवार के दिन में, हर गणेश चतुर्थी के दिन में आप इस प्रयोग को करते रहिए। दोस्तों यहां पर एक कंडीशन है कि ये प्रयोग आप जब करेंगे तो मूर्ति जो होगी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आप घर में इस प्रयोग को कर रहे हैं, घर में अगर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो घर में करें, नहीं तो ऐसी जगह कहीं देखें जहां पर हनुमान जी, गणेश भगवान जी को जो हनुमान जी का जो चोला चढ़ता है, सिंदूर चढ़ता है, वो वाली मूर्ति हो या फिर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, गणेश मंदिर में करें। दोस्तों आपके आसपास कहीं पर ऐसी कोई मूर्ति होगी जहां पर जो चोला चढ़ाया जाता है गणेश भगवान जी को, वहां पर इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर घर में करते हैं तो दोस्तों कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, आपको असर जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन मंदिर में करते हैं तो तुरंत में आपको रिजल्ट दिखेगा। और यदि बुधवार को और गणेश चतुर्थी को में करते हैं तो सोने पे सुहागा, फिर तो दोस्तों तुरंत में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बड़ी से बड़ी परेशानी आपकी गणेश भगवान तुरंत आपकी विघ्नों को हर लेंगे, शुभता प्रदान करेंगे, चारों तरफ से आप देखेंगे कि हर कार्य में आपको सक्सेस मिल रही है, सफलता मिलेगी। राहु तो दोस्तों आपको इतना बैलेंस हो जाएंगे कि राहु भी आपको अगर बुरी दशा दे रहे हैं, प्रतिकूल फल दे रहे हैं, तो वो अनुकूल फल देना शुरू कर देंगे। प्रयोग बहुत ही सात्विक और चमत्कारिक है, बहुत ही आजमाया हुआ है, करके देखिए दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन कंडीशन यही आती है कि आपको प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही करना है, तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप हर महीने इसको करते रहिए, राहु हमेशा आपके बैलेंस रहेंगे, अच्छा फल देते रहेंगे। कोई भी कार्य अगर आपका रुकावट आ रही है, रुकावट आने से पहले ही गणेश भगवान उस विघ्न को हरा लेंगे, राहु आपके बैलेंस होंगे, अचानक से जिंदगी में खुशियां आएंगी, धन आएगा, पैसा आएगा, बरकत आएगी, सफलता आएगी, जिंदगी में ग्रोथ मिलेगी। एक प्रयोग से दोस्तों आपके दो दो काम बनने वाले हैं, राहु आपके बैलेंस, साथ में हर कार्य में शुभता गणेश भगवान आपको देंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।